यूपी के बलिया में कूलर के चलते एक शादी टूट गई। उमस भरी गर्मी में कूलर की हवा खाने के चक्कर में बराती और घराती में विवाद हो गया। बात दुल्हन तक पहुंची तो भड़क गई। उसने सीधे शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा कि जब शादी से पहले दूल्हे के पक्ष का ये हाल है तो शादी के बाद ना जाने क्या होगा। जानकारी के मुताबिक शादी की रस्म पूरी ही होने वाली थी कि बराती आपस में कूलर को लेके लड़ बैठे, जिसका खामियाजा दूल्हे को भुगतना पड़ा। बराती लोग घरातियों से भिड़ बैठे। जब शादी के दौरान बैठे दुल्हन को पता चला कि कूलर को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन का मानना है कि अभी से झगड़ा शुरू हो गया है तो घर जाने पे ना जाने क्या क्या होगा, ये शादी शुभ नहीं है। पूरा माजरा बलिया के नगर पंचायत चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र का है। मामले में दूल्हा हुकुमचंद्र जायसवाल ने कहा कि हम सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद के रहने वाले, बगैर दहेज की शादी कर रहे थे, लेकिन घराती और बराती के बीच थोड़ी अनबन हो गई, जिसके बाद से दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं इस घटना के बाद दूल्हा उसी वक्त दुल्हन को समझाने में जुट गया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने बारात को बेरंग लौटा दिया। आखिर में पुलिस भी इस मामले में आई। दोनों पक्षों को थाना ले जाना हुआ। थाना अध्यक्ष प्रशांत चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बहुत समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बन पाई और शादी टूट गई। अंत में शांति भंग करने हेतु दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।